अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 30 है और टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 3 का, जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो बेटा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे टैक्सा कि टैक्सा क्या होता है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था क्लासिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल मेथड इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस ग्रुप में या जिस सब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा उस ग्रुप को या सब ग्रुप को हम नाम देंगे टैक्सा। टैक्सा एक मतलब एक लेवल है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का कोई फाइलम बनाया, कोई क्लास बनाया, कोई ऑर्डर बनाया, कोई फैमिली बनाई है, कोई जीनस बनाया, कोई नाम रखा है, तो वो उसका वो टैक्सा होगा। डिटेल इसके हम आगे देखते हैं। उसके बाद जो टैक्सा होते हैं एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे टैक्सा होते हैं, और सारे टैक्सास में से सबसे जो बड़ा टैक्सा है वो है किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सा, सबसे बड़ा टैक्सा जो है किंगडम है, सबसे बड़ा जो लेवल है, सबसे जो बड़ा लेवल है वो किंगडम का है। अब हम आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तरफ। जब बहुत सारे टैक्सा इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे टैक्सा इकट्ठे होकर एक लैडर बनाते हैं, एक सीढ़ी बना देते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं, उस तरतीब को उन टैक्सास की तरतीब को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। डिफरेंट टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। अब इसको याद करने के लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसे कह सकते हो, इसे आप लिख सकते हो PCOFGS, 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 P फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशी। फाइलम एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, ऑर्डर एक टैक्सा है, फैमिली एक टैक्सा है, जीनस भी एक टैक्सा है, स्पीशी भी एक टैक्सा है। इन ये सब जो मिलते हैं तो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है, एक लैडर बनती है, ठीक हो गया। तो फाइलम जो होता है, फाइलम के अंदर होती है ग्रुप ऑफ क्लासेस, एक जैसी क्लासेस। जब एक जैसी क्लासेस मिलती है तो एक जैसी क्लासेस मिलके एक फाइलम बनाती है। उसके बाद क्लास है, क्लासेस क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, एक जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं तो ऑर्डर्स मिलके बना देते हैं एक क्लास, ठीक है। ऑर्डर अगर हम देखें तो एक जैसी फैमिलीज, एक जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद फैमिली आ जाती है, तो फैमिली के अंदर हो गए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, एक जैसे जीनस, एक जैसे जीनस जब मिलेंगे तो उसको हम कह देंगे फैमिली। जीनस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एक जैसी स्पीशीज जब मिलती है, रिलेटेड मिलती जुलती जब स्पीशीज मिलती है तो एक जीनस बनता है। और स्पीशी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसको हम नाम दे देते हैं स्पीशी का, ठीक है। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की की एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड बी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड बी, इंसान की और मटर की, इंसान की और मटर की पौधे की साइंसी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किंगडम आएगा क्योंकि किंगडम सबसे बड़ा टैक्सा है, सबसे पहले हम किंगडम लिखेंगे। तो इंसान का अगर हम किंगडम देखें तो वो है एनिमिलिया, एनिमल्स के अंदर रखा जाता है इंसान को। फाइलम, फाइलम इसका है क्वाड्रेटा। क्लास इसकी है मैमिलिया। ऑर्डर इसका है प्राइमेट्स। फैमिली इसकी है होमिनिडी। जीनस इसका है होमो। और स्पीशीज की है होमो सैपियंस। स्पीशी मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है इंसान का वो है होमो सैपियंस। अब अगर हम बी की तरफ आए, मटर की तरफ आए, तो मटर का जो साइंस जो किंगडम है वो है प्लांटिंग। आपने एक चीज याद रखनी है, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा फाइलम, लेकिन जब हम प्लांट की या फंजाई की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे किंगडम के बाद यूज करेंगे फाइलम, लेकिन जब हम प्लांट की और फंजाई की क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिवीजन, ठीक हो गया। तो
पी प्लांट का जो जो डिवीजन है वो है मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। उसके बाद इसकी क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक हो गया। उसके बाद इसका ऑर्डर है फैबिएज, फैमिली इसकी है फैबिएसी, और जेनस इसका है पाइजम। साइंटिफिक नेम जो है पी प्लांट का वो है पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम को हम कहते हैं, वो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड बी, या अकेले मैन की आती है अकेले बी की आती है, तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। और बेटा साइंटिफिक नेम मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने पिछले टेस्ट के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की थी कि साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका है ना, आप हाथ से लिख रहे हो, तो बेटा दोनों नामों को अलहदा अलहदा अंडरलाइन करना है, दोनों नामों को अलहदा अलहदा अंडरलाइन करना है। अगर होमो सैपियन तो होमो अलहदा अंडरलाइन होगा, सैपियंस अलहदा अंडरलाइन होगा, पाइजम सैटिवम है तो पाइजम अलहदा अंडरलाइन होगा, सैटिवम अलहदा अंडरलाइन होगा, राना टिग्राइना है तो राना अलहदा अंडरलाइन होगा, टिग्राइना अलहदा अंडरलाइन होगा, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का हमने देखा था ब्रासिका कंपेस्टस है तो ब्रासिका अलहदा सेंटरलाइन होगा और कंपेस्टस अलहदा सेंटरलाइन होगा। अगर आप अलहदा अलहदा अंडरलाइन नहीं करोगे तो भी गलत होगा, अगर आप ब्रासिका और कंपेस्टस दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन कर दोगे तो भी गलत होगा, तो इसलिए दोनों का अलग अलग अंडरलाइन करना जब साइंटिफिक नेम लिखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ, जी बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि जब क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जब क्लासिफाई किया जाता है तो क्लासिफाई करने के बाद क्या करने के लिए क्या किया जाता है, किसी न किसी चीज को बुनियाद बनाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया जाता है तो क्लासिफिकेशन की जो बेस है, क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो है स्पीशी, क्लासिफिकेशन की जो बेस है, क्लासिफिकेशन की जो बेस है, क्लासिफिकेशन की बेस है स्पीशी। अब स्पीशी होती क्या है, अगर हम स्पीशी को डिफाइन करना चाहें तो स्पीशी होती क्या है, स्पीशी एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो आपस में करते हैं इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जिंसी तो लीजिए करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे नए जानदार बनाते हैं और वो जानदार होता है फर्टाइल, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि ऐसा जानदार जो आगे भी रिप्रोड्यूस कर सके, जो आगे भी रिप्रोडक्शन कर सके, जो अपने जैसे नए जानदार बना सके उसको फर्टाइल कहते हैं, और जो अपने जैसे नए जानदार ना बना सके उसको इनफर्टाइल कहते हैं, ठीक हो गया। अब जो स्पीशीज है उसको हम क्यों कहते हैं कि वो सिमिलर होनी चाहिए, स्पीशीज को हम क्यों कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, रिप्रोडक्शन के अनुबार से एक दूसरे आइसोलेटेड होती है, अपने दूसरे रिलेटिव ग्रुप से वो आइसोलेट होती है, क्यों, क्योंकि हर एक स्पीशी के अपने अपने कुछ मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, और वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल करेक्टर्स, स्ट्रक्चर के अनुबार से बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो हर स्पीशी का डिफरेंट है। ह्यूमन एक स्पीशी है, ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बेफलो, बेफलो का बॉडी स्ट्रक्चर और है, काओ का बॉडी स्ट्रक्चर और है, इसी तरह जो डंकी है उसका बॉडी स्ट्रक्चर हॉर्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंट के साथ रिलेशन, एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो भी मुख्तलिफ है हर स्पीशी का। बिहेवियरल कैरेक्टर, बिहेवियर हर स्पीशी का जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंट है। अब क्रॉस जब होगा तो नेचर को फोकियत दी जाती है, ज्यादातर जो जोर दिया जाता है वो नेचर की दिया जाता है कि नेचुरल क्रॉस होना चाहिए, हम खुद से क्रॉस नहीं करवा सकते, अगर हम खुद से क्रॉस करवाएंगे तो वो आर्टिफिशियल क्रॉस होगा और उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगा अगर हम डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करवाएंगे तो। नेचुरल में क्या होगा, डंकी विद डंकी, डंकी का क्रॉस डंकी के साथ होगा, हॉर्स का क्रॉस हॉर्स के साथ होगा, रैबिट का रैबिट के साथ होगा, पैरट का पैरट के साथ होगा, स्पैरो का स्पैरो के साथ होगा, ठीक है, फीमेल स्पैरो का मेल स्पैरो के साथ होगा। मतलब स्पीशी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, स्पीशी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान क्रॉस करवा दिया जाए
तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आगे जनरेशन ही बढ़ा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का आपस में क्रॉस करवाया जाए तो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होती है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं म्यूल, जिसको खच्चर कहते हैं उर्दू में। अब जो खच्चर होती है उसके आगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो आगे जनरेशन नहीं बढ़ाती, वो आगे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते, नए इंडिविजुअल नहीं बनाती वो। ठीक है, दूसरी वो क्या है, वो इनफर्टाइल है। मतलब क्यों इनफर्टाइल है, क्योंकि डंकी एक अलैदा स्पीशी है और हॉर्स एक अलैदा स्पीशी है। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा नोट आपने याद रखना है कि इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है उसको हम स्पेशियल रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम इंटरब्रीडिंग के बेस पे नहीं कह सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म स्पीशी है या नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे कि अमीबा है, पैरामेशियम है, यूलिना है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे स्पीशी तो हैं, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती, इंटरब्रीडिंग ये नहीं करती। ठीक हो गया। तो ये आपकी बुक के अंदर साइड बॉक्स बना हुआ। याद तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी हम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।